दोस्तों, अगर आप भी अपने फोन पे 1 GB, 1.5 GB या फिर 2 GB का डाटा पैक डलवाते हो और आपको पता नहीं चलता है कि आपका डाटा कहाँ इतना जल्दी एग्जॉस्ट रहता है, कहाँ खत्म हो जाता है, और आप दिन भर सोचते रहते हो कि मैंने तो आज फोन को यूज ही नहीं किया था, मेरा डाटा कैसे खत्म हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ, चार ऐसे सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिसे कि आपको ऑफ कर देना है। अगर आप इन चार सेटिंग्स को ऑफ कर देते हो ना, तो 110% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका जो डाटा है 1 GB पूरा दिन चलने वाला है। तो मेक श्योर की वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि फोर्थ नंबर जो ट्रिक है वो सबसे अल्टीमेट ट्रिक है, तो उसे भूल के भी मिस ना करें। अगर ये तीनों ट्रिक अगर आप नहीं देखते हो तब भी चलेगा, बट फोर्थ नंबर की ट्रिक काफी ज्यादा यूजफुल है, उस सेटिंग को आपको ऑफ करना ही करना है। तो मेक श्योर कि आप तीन सेटिंग्स को देखो या ना देखो, बट फोर्थ वाली सेटिंग्स को जरूर देखें। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चारों सेटिंग्स को देख लें ताकि आपका जो है फोन में 1 GB डाटा भी पूरा दिन चल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट सेटिंग की, जिसे कि आपको ऑफ करना है। तो इसके लिए आपको कुछ करना है, प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आकर आपको सिंपली अपने लोगो पे क्लिक कर देना है। यहां से क्लिक कर रहे हो तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा नेटवर्क प्रेफरेंसेस का। तो नेटवर्क प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो अपडेट एप्स। तो इसे सिंपली ऑन कर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट जो है होगा ओवर एनी नेटवर्क पे क्लिक होगा। ध्यान रखना है कि आपका बाय डिफॉल्ट ओवर एनी नेटवर्क पे क्लिक होगा, तो आपको डोंट ऑटो अपडेट एप्स पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, इससे क्या होता है ना कि बहुत सारा एप्स होता है जो कि अगर फोन पे इंस्टॉल रहेगा वो टाइम टू टाइम कंपनी वाला क्या करता है ना, ऑटो अपडेट ऑन करके रखता है ताकि उनका एप जब भी अपडेट हो तो वो आपका फोन में ऑटो अपडेट हो जाए। सपोज आपके फोन पे एक कोई गेम है, सपोज फ्री फायर है, वो अप्रोक्स 1 GB का है और उसमें कोई अपडेट आता है तो वो एप जो है खुद ब खुद जो है अपडेट हो जाएगा, तो आपका 1 GB तो एक दिन में वहीं ही चला जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है ना, ऑटो अपडेट एप्स को यहाँ पे ऑफ कर देना है, डोंट ऑटो अपडेट एप्स, उसके बाद डन कर देना है। और एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो प्ले वीडियोस, तो इसे भी आपको क्या करना है ना, डोंट ऑटो प्ले वीडियोस पे क्लिक करके डन कर देना है। और इस सेटिंग को करोगे ना तो आपको जो है खुद ब खुद जो दिखेगा कि आपका डाटा जो है काफी ज्यादा सेव हो रहा है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने दूसरी ट्रिक की, दूसरी सेटिंग की। तो इसके लिए सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, मोबाइल की सेटिंग पे आना है। मोबाइल की सेटिंग पे आपको आगे सिंपली क्लिक करना है नेटवर्क एंड इंटरनेट पे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जैसे आओगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेटा यूजेस का, सिंपली डेटा यूजेस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप डेटा यूजेस पे जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप डाटा यूजेस, तो सिंपली इसे ऑन करना है। बेसिकली इसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन सा ऐप आपके फोन में सबसे ज्यादा डाटा कंज्यूम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे वाला में है यूट्यूब, यानी कि यूट्यूब मेरा जो है लास्ट वन मंथ में 7.5 GB कंज्यूम कर चुका है। उसके बाद वाइज है, उसके बाद इंस्टाग्राम है और जो सारे एप्स हैं। तो सिंपली आपको करना क्या, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपका बैकग्राउंड डाटा दिखेगा, तो सिंपली से क्या करना है आपको ऑफ कर देना है। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि आप फोन को जैसे एप्स वगैरह हुआ तो वो बैकग्राउंड में डाटा चलते रहता है, आप ऐप को ऑफ कर दोगे बट बैकग्राउंड में उसका डाटा चलते रहता है और उससे काफी ज्यादा नेट कंज्यूम होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इनेबल रहेगा से आपको डिसेबल करना है, ऑफ कर देना है, इससे भी आपका डाटा काफी ज्यादा बचने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दो तीन एप्स सबसे ज्यादा डाटा यूज कर रहा है उसका बैकग्राउंड डाटा को आपको क्या करना है, ऑफ कर देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं करके रखता हूँ। और इससे काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा इसका इफेक्ट और नेट आपका इंटरनेट काफी ज्यादा सेव रहने वाला है। और 1 GB 1.5 GB आप पूरे दिन भर यूज कर पाओगे और कोई भी प्रॉब्लम होने वाला आपको नहीं है। अब दोस्तों, बात करते हैं तीसरे ट्रिक की। तो फ्रेंड्स, तीसरे ट्रिक में आपको क्या करना है, यूट्यूब पे आना है और ये सेटिंग आपका यूट्यूब पे ऑफ करना है। आप फ्रेंड्स, इसके बाद आपको करना क्या, सिंपली अपने लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको सिंपली सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। अब आप सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंसेस, तो इस पे सिंपली क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको देखने को मिलेगा कि आपका वीडियो क्वालिटी जो है यहाँ पे हायर पिक्चर क्वालिटी में होगा। रीजन बिहाइंड दैट कि यूट्यूब भी चाहता है कि अधिक से अधिक डाटा कंज्यूम और उसे अधिक से अधिक बेनिफिट हो पाए। तो आपको सिंपली करना क्या है ना, इसे डाटा सेवर पे क्लिक कर देना है या फिर आपको ऑटो पे कर देना है। ऑटो पे आप जब भी करोगे तो आपका जो है ऑटो में चलेगा, जैसा स्पीड होगा उस तरह का चलेगा। बट आप डाटा सेवर में काम यहाँ पे क्लिक करके रखोगे तो आपको यहाँ पे जो वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंसेस बार बार पूछा जाएगा और आपको जिस भी क्वालिटी में देखना है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे ये होगा। और यहाँ पे आपको वीडियो क्वालिटी ऑन वाईफाई, अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हो तो आपकी मर्जी, आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे वीडियो क्वालिटी ऑन मोबाइल नेटवर्क, तो इसे आपको डाटा सेवर पे ऑन करके रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे भी आपका डाटा काफी ज्यादा कंज्यूम होता है और आप इससे डाटा काफी ज्यादा सेव भी कर सकते हो।
अब फ्रेंड्स बात करते हैं अपने चौथे ट्रिक की, जो कि मैंने बोला था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहां तक तो वीडियो को देख लिया तो कांग्रेचुलेशन, क्योंकि जो मेन चीज है ये यहां पर है। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। तो फिर सब बात करते हैं फोर्थ ट्रिक की, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक सेटिंग है, उसे ऑफ करना आपके लिए मैंडेटरी बन जाता है। फ्रेंड्स हम सबके फोन पे एक ऐप तो रहता है जिसका कि नाम है गूगल फोटोज, और वे हमारे फोन में रहता है बाय डिफॉल्ट, आपके फोन में भी होगा। तो सिंपली आपको इसे ऑन करना है। अब यहाँ पे आप ऑन करोगे तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है अपने लोगो पे। लोगो पे आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं फोटो सेटिंग्स का। यहाँ पे आप जैसे ही फोटो सेटिंग्स पे क्लिक करोगे एक ऑप्शन आपको मिलेगा बैकअप एंड सिंक का। तो सिंपली बैकअप एंड सिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका बैकअप एंड सिंक क्या होगा, ऑन होगा। तो इसे आपको ऑफ कर देना है। अब मैं बताता हूँ इसे ऑफ आपको क्यों करना है, क्योंकि आपकी गैलरी में बहुत सारा फोटोज, बहुत सारा वीडियोस जिसका कि फाइल काफी ज्यादा साइज का रहता है, बहुत सारा जीबी में रहता है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका बैकअप बनने लगेगा। फोटो काम का हो या फिर ना हो, लेकिन यहाँ पे आपका जो है ऑटोमेटिकली बैकअप बनने लगेगा और यहाँ पे आपका नेट काफी ज्यादा कंज्यूम होने वाला है। यहाँ पे मैं इनेबल करता हूँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देख पा रहे सेल डाटा यूजेस, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड होगा। अगर आप चाहते हो कि हो कुछ कुछ फोटो का बैकअप बने बाय डिफॉल्ट, तो सिंपली आपको 30 MB पे क्लिक करके रख देना है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप बैकअप एंड सिंक को ऑफ करो, और आपको कोई भी फोटोज को आपको जो है अपलोड करना है गूगल फोटोज पे, कोई वीडियोस को करना, तो आप मैनुअली भी कर सकते हो। बट यहाँ से अगर आप इनेबल करते हो ना, तो आपको काफी डाटा, अगर आप यहाँ से इनेबल करते हो ना, तो आपका काफी ज्यादा डाटा जो है यहाँ पे खत्म होने वाला है। और रीजन बिहाइंड दैट कि यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेगा, और कोई भी फोटो हो गैलरी में, कोई भी आलतू फालतू फोटो है, सारा का सारा आपका जो है यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा और काफी ज्यादा आपका नेट कंज्यूम होने वाला है। सपोज आपका 3 MB का फोटो है, अगर एक दिन में आपका 200 फोटो भी होता है, तो यहाँ पे 600 MB तो आपका इसी तरह का बर्बाद हो जाने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं खुद ब खुद यहाँ पे बहुत सारा बैकअप बन चुका है और ये सारा सब फोटो कोई काम का नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, फोटो सेटिंग पे आना है, और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे बैकअप एंड सिंक पे जाना है और इसे डिसेबल कर देना है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो सेटिंग था ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मेक श्योर कि आप इस सेटिंग को ऑफ ही रखें, क्योंकि इससे आपको काफी ज्यादा डाटा जो है बचने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपका बैकअप बनाना है फोटो का, तो आप बाय डिफॉल्ट जाके कर सकते हो, मैनुअली भी जाके कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस चार सेटिंग्स का ऑफ करके आप जो अपने डाटा को, मोबाइल के डाटा को काफी ज्यादा सेफ कर सकते हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त का भी फोन सेफ रह सके। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में।